दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 3 महीने से मैं आपके सामने लाइव नहीं आई, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम का आपको भी पता था। जो भी हुआ, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत हौसला दिया। आप लोगों की फरमाइश पे मैं दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पे आ रही हूँ, और आज मैं जिन शख्सियत को लेके आ रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत प्यारे इंसान, बहुत अच्छी दिल के मालिक, और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम का डंडा बजाया। तो आज मैं मिलवाती हूँ आपको सरदार कमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम जी, मैं खुद बहुत मशहूर हूँ आपका। आप तो हमारे पाकिस्तान की शान है, हमारे सीनियर फनकारा हैं, और आपको देख देख के हमें शौक पड़ा कि हम भी इस फील्ड में आए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे बल्कि शर्मिंदगी हो रही है आपने यहाँ आने की तकलीफ की, मुझे कहती तो मैं हाजिर हो जाता। नहीं नहीं, आप तो मेरे अपने हैं, मैं इसी मान से, इसी फख्र से आई हूँ। याद है आपको कोरोना में मैंने आपका इंटरव्यू किया था, और कितना वो अच्छा था, और किन सन्नाटों में हमने वो काम किया। तो सरदार साहब, आजकल माशाल्लाह आप काफी बिजी हैं, चैनल पे भी और थिएटर भी और यूरोप भी, और वो जो सिखों की फिल्में बन रही हैं, कभी लंदन, कभी बस आपको देख देखे। आपने भी तो अपने वक्त में कितना कितना मैनेज किया हुआ। आप तो दिन में 15-15, 16 शूटिंग करती थी, और वो मैनेज होता था वो वक्त। तो वो ऐसे ही कि कुछ मैं भी एक पिक्चर करके हूँ अभी, चढ़ता पंजाब की ड्रामे वाले, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी रिलीज हो जाएगी। तो बाकी एक नया शो हमारा शुरू है, मस्तियाँ, और मस्तियाँ के साथ में आपसे मुलाकात हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो इसी तरह बस आपकी दुआओं से सिलसिला चल रहा है, आप दुआ फरमा दीजिए। काम चल रहा है। नहीं, सरदार साहब जी हमारे बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं और इतने अच्छे इंसान हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। लेकिन सरदार साहब, आपने माशाल्लाह बहुत नाम किया, मैं तो आपसे पहले बहुत नाम किया, लेकिन माशाल्लाह इतना नाम बरकरार रखना मुसलसल, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। नाम तो बन जाता है, लेकिन उसको मेनटेन करना, उसको लेके चलना, ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। आपके नसीब में ये बात है, इसकी वजह बताया। बात यह है कि देखिए, इश्क इंसानी करने के लिए आपके लिए काफ़ी है, उसके बाद आपने मेहनत भी छोड़ी, आपने बड़ी मेहनत की है, उसके बाद आज तक कर रही है। लेकिन आपने ग्रैनेड पे माशाल्लाह पाकिस्तान की बड़े बड़े नाम वाली फिल्में आपने की हैं, और यही कि पंजाबी फिल्म आपने उर्दू पिक्चर की है, आपने पश्तो पिक्चर की है, आपने जितना हमारे पाकिस्तान में फिल्म बन रही, किस जबान में बन रही, आपने वहाँ काम किया है। अपने सीरीज को देख रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और अब मेहनत ही है। मेरा ख्याल है यही वजह है कि आप अब तक माशाल्लाह इतने कामयाब हैं, जब कितने लोग आपके आंखों में आके चले, तो आज भी आपको जो अल्लाह ने मुकाम दिया, वो बड़ा इज्जत वाला, बड़ा नाम वाला, उसको लेके आपने मेंटेन किया। मुझे इस बात की बेहद खुशी है, और कोई जिंदगी का कोई छोटा सा खूबसूरत सा मेरी ऑडियंस के लिए वाकया सुना दें। वाकई ये है कि ड्रामा हम कर रहे थे फैसलाबाद में, हेलो मजनू, हाय लैला, लैला मेरे साथ है। तो मुझे फर्स्ट टाइम मुझे सरदार साहब भी लेके आए थे थिएटर में। थिएटर में जब आए तो मुझे पता चला कि दुर्दाना रहमान साहब अभी ड्रामे में, और खुशी से मुझे बुखार चढ़ गया था। अमरोजिया बेगमी थी उसमें, हेलो मजनू, लैला, हाय लैला में अमरोजिया बेगमी थी, और मैं भी था उसमें। तो वो बड़ा कामयाब ड्रामा हुआ था। तो ये क्या तारीफ करेंगे, तो हैं अपने तारीफ लोग हैं। थैंक यू सरदार साहब, आपसे आज मिलके इतने दिनों के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं आप जैसे फनकारों को देख के बड़ा फख्र महसूस करती हूँ, इसलिए कि मेरे 3 साल है, मैंने बहुत काम किया आज तक, और कोई काम नहीं करेंगे चैनल पे बैठी हुई। अच्छी बात है, मैं तो अपने व्यूवर्स को जो देख रहे हैं, आप गुरदाना जी के जो यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, और यहाँ पे आपको वो फनकार नजर आएंगे जो आम लाइफ में अपने नजर नहीं आ रहे, वो सीनियर फनकार, वो अच्छे कलाकार आपको इस चैनल पर मिलेंगे। देखते रहिए गुरदाना जी का ये चैनल। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, जीते रहे, और इसी तरह फले फूले, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू दोस्तों, ये थे सरदार कमाल, बड़े प्यारे इंसान, बड़े अच्छे फनकार, इनके साथ काम भी बहुत किया, और थिएटर में मुझे फर्स्ट टाइम ये फैसलाबाद में लेके आए थे। हेलो लैला, हाय मजनू, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया, आपकी बताना रहे।